अगर आपका बच्चा भी थेरेपी सेंटर जा रहा है कई महीनों से या सालों से और उसमें उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जितना आप देखना चाहते थे, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी गलतियां आपकी बताऊंगी जिससे आपका बच्चा थेरेपी सेंटर तो जा रहा है पर उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, और आप बच्चे को थेरेपी सेंटर भेजें या नहीं भेजें, तो ये सब टॉपिक पे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, आपका यही सवाल होगा कि हम अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर भेजें या फिर नहीं भेजें, उसमें ऑटिज्म के या एडीएचडी के सिम्टम्स हैं। देखिए, मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ वीडियो में कि आप बच्चे को थेरेपी सेंटर मत भेजिए। देखिए, अगर आपके घर के पास थेरेपी सेंटर है, आप डेली ले जा सकते हो बच्चे को, या फिर आप फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर थेरेपी सेंटर ले जाएं। पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप बच्चे को थेरेपी सेंटर तो ले जा रहे हैं, पर आप अगर थेरेपी सेंटर के ही भरोसे बैठे रहेंगे तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, पर जितना आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। देखिए, आपका बच्चा है, वो आपसे ही ज़्यादा सीखेगा। बच्चे की माँ से, घर वालों से बच्चा सबसे पहले सीखता है, तो सबसे पहले आपको ही बच्चे को सिखाना होगा। थेरेपी सेंटर भेजना है तो भेजिए, पर आपको भी पूरी मेहनत करना होगा। आप ये मत सोचिए कि हम थेरेपी सेंटर भेज रहे हैं तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ऐसी गलत फहमी में आप जी रहे हैं, तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चे को ठीक करना है तो आप थेरेपी सेंटर तो भेजते ही हैं, उसके साथ साथ आपको घर पे बच्चे पे काम करना होगा, क्योंकि आपका बच्चा थेरेपी सेंटर तो वीक में 2-3 दिन जाता है, वो भी 30 या 45 मिनट के लिए जाता है, पर बाकी 24 घंटे आपका बच्चा आपके साथ ही रहता है। सुबह उठने से लेकर रात तक आपका बच्चा आपके साथ ही रहता है, तो ज़्यादातर किससे सीखेगा? वो आपसे ही सीखेगा। यानी कि पूरी मेहनत तो आपको ही करना है, भले ही आप थेरेपी सेंटर भेजो या फिर मत भेजो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चे में बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के और आपसे वो हैंडल ही नहीं हो रहा है, तो आप उसे शुरुआत में कुछ महीने के लिए थेरेपी सेंटर भेज सकते हैं। अगर वहाँ से कुछ फ़ायदा हो तो आप जारी रख सकते हैं थेरेपी सेंटर जाने को। अगर फ़ायदा नहीं है तो आप घर पे भी हैंडल कर सकते हैं बच्चे को। देखिए, कोई कोई थेरेपी सेंटर वाले ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को क्या थेरेपी दे रहे हैं वो आपको नहीं बताते हैं, ना ही कैमरा लगा होता है, ना ही थेरेपी सेंटर में आपको अंदर जाने देते हैं जहाँ बच्चा थेरेपी ले रहा है। तो ऐसी जगह आप थेरेपी करवा रहे हैं तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसी जगह बच्चे को थेरेपी करवाने के लिए भेजेंगे तो आपका बच्चा उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो चीज़ आप घर पे नहीं दोहरा रहे हो। सिर्फ हफ्ते में 2-3 दिन 45 मिनट या 30 मिनट बच्चा वहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहा है, बाकी दिन नहीं कर रहा है, तो बच्चा भूल ही जाएगा, और वो एक्टिविटी नहीं करवाएंगे आप तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ थेरेपी सेंटर वाले ऐसा सोचते हैं, सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ थेरेपी सेंटर वाले ऐसे सोचते हैं कि हम उनको एक्टिविटी या बता देंगे जो हम कर रहे हैं तो वो घर पे ही करने लगेंगे ये एक्टिविटी और हमारे पास नहीं आएंगे, हमारा बिजनेस तो बंद हो जाएगा। कुछ लोग थेरेपी सेंटर वाले चाहते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहे, हमारे इधर थेरेपी करवाने बच्चे आते रहें, तो इसलिए भी कोई कोई थेरेपी सेंटर वाले जो है अपनी थेरेपी शेयर नहीं करते हैं कि बच्चे के साथ वो क्या काम कर रहे हैं। और कुछ कुछ थेरेपी सेंटर वाले कैमरा रखते हैं और अलाउ करते हैं कि आप दूर से देख सकते हैं कि हम क्या थेरेपी दे रहे हैं, तो इस जगह आप थेरेपी करवा सकते हैं अपने बच्चे के लिए। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि कुछ बच्चे थेरेपी सेंटर जाते हैं, उन्हें तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो देखिए, थेरेपी सेंटर भेजने वाले उन्हीं बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनके घर वाले भी घर पे बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करते हैं। जैसे 1 घंटे बच्चा थेरेपी सेंटर गया, उसके बाद पूरा दिन बच्चा घर है और घर पे भी बच्चे पे फुल काम हो रहा है, फुल उसका जो इम्प्रूवमेंट चल रहा है, उसके साथ एक्टिविटी हो रही है, सोशल एक्सपोजर मिल रहा है, तो ही बच्चे में फ़र्क आएगा।
तो ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा और वो सही होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप थेरेपी सेंटर भेज रहे हैं तो साथ ही साथ घर पे भी उस पे वर्क करें। देखिए, कुछ थेरेपी सेंटर वाले ये नहीं मानते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म अलग अलग चीज़ है। वो ये जानते हैं कि जन्म से ही बच्चे में ऑटिज्म होता है और अगर वो स्क्रीन देख ले तो उसका जो ऑटिज्म है वो बढ़ने लगता है। तो देखिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। वर्चुअल ऑटिज्म होता है वो थेरेपी सेंटर वाले जो वर्चुअल ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको क्लासिक ऑटिस्टिक बच्चों जैसा ट्रीट करने लगते हैं, यानी कि उनको उसी अनुसार थेरेपी देने लगते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे को जैसे ग्रो करना था, जैसे सीखना था, वो सीख नहीं पाता है, उसको अलग टेक्निक से सिखाते हैं, उसको अलग टेक्निक से थेरेपी देते हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो आप ऐसी जगह थेरेपी दिलवाएं बच्चे को जहाँ पे वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म के बारे में थेरेपी सेंटर वालों को नॉलेज हो। अगर आप वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे को क्लासिक ऑटिज्म जैसी थेरेपी देने लगे तो आपका बच्चा और पीछे जा सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और कुछ कुछ थेरेपी सेंटर में जो मैन सर और मैडम होती हैं जो थेरेपी देते हैं, वो ऐसे एम्प्लॉय को रखते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है थेरेपी के लिए, और जो मैन सर और मैडम होते हैं जो कि थेरेपिस्ट हैं, रियल थेरेपिस्ट हैं, तो वो थेरेपी ना देकर कुछ एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है थेरेपी के बारे में, तो उनसे बच्चों को थेरेपी दिलवाते हैं। तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता है तो उनको पता नहीं चलता है कि बच्चे पे कैसे काम करना है, किस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। जबकि जो मैन थेरेपी वाले होते हैं, जो मैन थेरेपिस्ट, वो जो एम्प्लॉय है उनको बता देते हैं कि इस तरह से बच्चे को थेरेपी देना है। तो उस तरीके से जो मैन थेरेपिस्ट है उसको थेरेपी देना चाहिए, वो थेरेपी ना देकर जो और असिस्टेंट हैं, जो वर्कर हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, वो थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। जिनने पढ़ाई की है थेरेपी की, जो थेरेपिस्ट हैं, रियल थेरेपिस्ट हैं, अगर वो थेरेपी देंगे तो बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर एम्प्लॉय से वो थेरेपी दिलवाएंगे बच्चे को तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मेन थेरेपिस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इस वजह से वो एम्प्लॉय रख लेते हैं अपने पास, तो उनसे ही वो थेरेपी दिलवाते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो आपके बच्चे को थेरेपी दे रहे हैं उनको कितना नॉलेज है और उनके पास कोई डिग्री है या कितना उनको एक्सपीरियंस है, वो भी आपको देखना होगा, तभी आप बच्चे को थेरेपी सेंटर भेजें। देखिए, अगर आप थेरेपी सेंटर में जो थेरेपी हो रही है वो ही थेरेपी आप बच्चे को घर पे रिपीट करवाएंगे तभी बच्चे को फ़ायदा होगा। अगर जो थेरेपी सेंटर में थेरेपी हो गई है और घर पे आपने उसको रिपीट रिवाइज नहीं करवाया तो बच्चा वो भूल जाएगा, क्योंकि वीक में 2-3 दिन ही थेरेपी होती है और वहाँ पे आधा एक घंटा ही थेरेपी होती है, तो बच्चा भूल जाता है। ऑटिज्म के बच्चे तो वैसे ही भूल जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और अपने जो थेरेपिस्ट हैं जहाँ आप थेरेपी दे रहे हो बच्चे को, तो उनसे भी पूछना होगा कि आज आपने कौन सी एक्टिविटी करवाई थी, कौन सी थेरेपी दी थी, तो वही हम घर पे करें, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको थेरेपी सेंटर ना भेजें, आप घर पे ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि मेरी लड़की को भी थेरेपी सेंटर में थेरेपी के लिए बोला था पर हमने थेरेपी नहीं दी, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, तो घर पे ही मैं उसको ठीक करने लगी, उसके साथ एक्टिविटी करने लगी और जो जो उसमें सिम्टम्स थे उनको दूर करती गई, तो आज वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और आप और वीडियोस में भी उसकी वीडियो क्लिप्स देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे में ऑटिज्म के बहुत कम सिम्टम्स हैं और उसको स्क्रीन की वजह से ऑटिज्म हुआ है तो आपको थेरेपी सेंटर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियोस देखकर अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। मैंने भी अपनी लड़की को घर पे ही ठीक किया हुआ। तो जिनको जन्म से ऑटिज्म नहीं होता वो बच्चे घर पे ही ठीक हो सकते हैं, उनको सही दिशा में सही तरीके से उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है, उनको सही तरीके से उनको सिखाने समझाने की ज़रूरत है, तो वो भी उनके एज गैप को दूर करके नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। तो पेरेंट्स, अगर आपको कुछ और पूछना है इस वीडियो के बारे में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।